अब इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, सेल्स एंड प्रॉफिट बाय सेगमेंट, जो हमारा क्वेश्चन था कि मुझे सेगमेंट का प्रॉफिट भी देखना है और सेल्स भी देखना है, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। आ जाते हैं यहाँ पे एंड विल यूज दिस राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सेगमेंट, कि सेगमेंट वाइज मुझे सेल्स दिखा दो, प्रॉफिट दिखा दो। तो मैं इसको यूज करता हूँ एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे सेगमेंट डाल देते हैं। नाउ सिंपली यू हैव टू पुट सेल्स, सेल्स आई विल बी पुटिंग हियर, सेल्स 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 इन वाई एक्सिस। सेम आई कैन गो प्रॉफिट, प्रॉफिट उठाते हैं एंड इसको भी हम वाई एक्सिस पे डाल देते हैं। तो सिंपल आपका सेल्स एंड प्रॉफिट दिखाई देगा। डेटा लेबल को ऑन कर दो तो डेटा लेबल ऑन हो जाएगा और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो सेगमेंट आपका तीन है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिसेस। एंड यहाँ पे अगर ईयर चेंज करेंगे तो ईयर भी चेंज हो जाएगा, 2012 राइट, 2013। तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, चेंज आसानी से हो रहा है और आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। सो आपका यहाँ पे सम ऑफ सेल्स एंड ये हो गया। ठीक है, आपने सेल्स एंड प्रॉफिट बाय सेगमेंट भी दिखा दिया।